देखिए इस अगले वीडियो में मैमल्स के बचे हुए कैरेक्टर्स को आगे हमें समझना है। हम 10-9 कैरेक्टर पीछे के वीडियो में पढ़ चुके थे, अगला कैरेक्टर हम लेकर के बात करें तो मैमल्स की जो गर्दन होती है, गर्दन में कशेरुकाओं की जो संख्या होती है वो 7 है। गर्दन में नंबर ऑफ वर्टेब्रा कितनी होती है? 7 होती है। ऐसा माना जाता है 7 कशेरुकाएं गर्दन में जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है प्रथम कशेरुका के द्वारा, और गर्दन की प्रथम कशेरुका वर्टेब्रा कौन सी होती है जिसको एटलस के नाम से बोलते हैं, उसका नाम एटलस है। एटलस के द्वारा सीधे पश्च मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। उसके बाद 7 कशेरुकाएं गर्दन की फिर वक्ष की प्रारंभ हो जाती है, और वक्ष में ऐसी 12 कशेरुकाएं पाई जाती हैं जिनसे 12 जुड़ी पसलियां निकल करके आती हैं। उसके बाद नंबर यानी कमर वाली कशेरुकाएं आ जाती हैं। तो ये अब देखिए अगले कैरेक्टर में इतना तो हमें पता है कि हार्ट जो है 4 चैम्बर तो होगा ही होगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय, ये तो पक्की बात है। लेकिन उससे क्या होता है वैसे समझ लीजिए। देखिए 4 चैम्बर वाला हृदय एवीज से ही प्रारंभ हुआ, एवीज में भी ऐसा होता था। 4 चैम्बर में से 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं, और ऐसी स्थिति होने पर हृदय का जो लेफ्ट एंड राइट वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट रहता है। हृदय के लेफ्ट एंड राइट भाग एक दूसरे से आइसोलेट रहते हैं, पृथक रहते हैं, जिससे हम ये मान सकते हैं कि इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध और अशुद्ध जो रुधिर है वो आपस में मिलता नहीं है, यानी अलग अलग रहते हैं। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं, ये आपको समझना है यहाँ पर नहीं। और जो साइनस विनोसस है ये इसमें पाया नहीं जाता। साइनस विनोसस एक तो साइनस विनोसस, दूसरा वृक्क निवाही का तंत्र जो होता है रीनल, अनुपस्थित है ये ध्यान रखना ठीक है। ये भी अच्छा पॉइंट है। देखिए साइनस विनोसस क्या है, सिरा क्वार्टर बोलते हैं जिसको हिंदी रूपांतरण में, और जिसमें अशुद्ध रुधिर आकर के रुकता है, भरता एक चैम्बर है, एक कक्ष रूपी स्ट्रक्चर है जिसमें सिराओं वाला अशुद्ध रुधिर आकर के भरता है, वो साइनस विनोसस। ऐसा साइनस विनोसस मैमल्स में नहीं पाया जाता। दूसरा वृक्क निवाही का तंत्र भी मैमल्स में नहीं होता है। यकृत निवाही का तंत्र पाया जाता है लेकिन वृक्क निवाही का तंत्र मैमल्स में नहीं होता है ठीक है। अब देखिएगा हार्ट को समझ लेने के बाद हम इनके आरबीसी की बात करें तो ये भी कुछ खास, आरबीसी भी कुछ खास है। और खास ये है कि आरबीसी का जो शेप होता है वो उभय अवतल होता है। शेप में तो उभय अवतल प्रकार की होती है और वैसे एन्यूक्लिएटेड होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, शेप उभय अवतल है ना, लगभग गोल लेकिन उभय अवतल, सतह का फर्क है, और वैसे एक एकेंद्रकी होती है, ये विशेष खास बात। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया, मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया, क्योंकि पीछे के वर्गों में हम बार बार अध्ययन कर रहे थे कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है ना, यहाँ न्यूक्लस नहीं पाया जाता, इसलिए आकार बहुत छोटी होती है आरबीसी, संख्या में बहुत अधिक होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता है। और ऐसा भी है कि केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में तो होता है, जब कोशिकाएं नई बनती हैं बोन मैरो के अंदर, नई आरबीसी जब बनती है तो उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होती है यानी परिपक्व जो आरबीसी है उसमें फिर केंद्रक विलुप्त हो जाता है, केंद्रिकाएं भी विलुप्त हो जाती हैं। और वो अपवाद मैमल्स में है जिनके आरबीसी केंद्रक है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी
में नहीं पाया जाता। और अपवाद के रूप में ऊंट और लामा ये दो प्राणी ऐसे हैं मैमल्स में जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी भी मैमल्स की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। तो विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है ना। अब देखिएगा जो ट्रेकिया है ट्रेकिया का मुख गुहा में खुलने वाला जो भाग है वो एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ ढका रहता है और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का आपको ध्यान रखना है, उसको हिंदी में कहा जाता है घंटी द्वार। एपिग्लोटिस के द्वारा ढका है ट्रेकिया का मुख गुहा में खुलने वाला भाग एपिग्लोटिस द्वारा ढका रहता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ट्रेकिया श्वसन मार्ग का हिस्सा है इधर से, है ना, मुख गुहा वाला ये भाग, ये गर्दन में यहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है वहां पर एपिग्लोटिस या घंटी द्वार पाया जाता है जो उसको ढक करके रखता है ताकि श्वास नली में भोजन प्रवेश ना कर सके। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है इन मेंबर सभी मेंबर्स। तो एपिग्लोटिस यानी घंटी द्वार का पाया जाना ये भी अच्छी विशेषता है। और उसके साथ साथ इनमें स्वर उत्पन्न करने के लिए, बोलने के लिए यानी आवाज निकालने के लिए जो लैरिंग्स है कंठ वाले भाग में यहाँ पर स्वर यंत्र पाया जाता है। एक उस स्वर यंत्र में एक वोकल कॉर्ड उपस्थित होता है, एक वोकल रज्जु पाया जाता है जिसमें कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे हम बोल पाते हैं। तो ये भी एक कंडीशन यहाँ पर, कहने का मतलब है गले में स्वर यंत्र पाया जाता है, ये ध्यान रखें। स्वर यंत्र की उपस्थिति आपको ध्यान रखें। अगले कैरेक्टर में देखिए नासिका कक्ष में नासल मैक्सिला व एथमोइड उपस्थियां पाई जाती है। नाक में मिलने वाली उपस्थियों के नाम है नासल मैक्सिला और एथमोइड। ये नासा कक्ष में पाई जाने वाली उपस्थियां हैं, है ना, ये भी इनमें पाई जाती है। और मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क विकसित तो होता ही है क्योंकि हम कॉर्डेटा का उच्चतम वर्ग पढ़ रहे हैं मैमेलिया, जो सर्वाधिक विकसित वर्ग है। मस्तिष्क विकसित होने का मतलब 12 दिन के बाद तंत्रिकाएं यहाँ पाई जाए। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है,
और मस्तिष्क जो है डाइकोंडाइलिक होता है, सेरेब्रम बहुत अधिक विकसित होता है जिसको हम अग्र मस्तिष्क का हिस्सा मानते हैं, जिसमें सोचने समझने तर्क करने बोलने के सारे बिंदु होते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं, वो हिस्सा काफी अधिक बड़ा होता है और ज्यादातर मेंबर्स में मैमिलिया के अधिकांश सदस्यों में कार्पस कैलोसम पाया जाता है। एक दो उदाहरण है अपवाद के रूप में जिनमें कार्पस कैलोसम नहीं, और कार्पस कैलोसम जो दोनों कॉन्डाइल्स होते हैं मस्तिष्क के, दोनों अर्धभाग सेमी स्पियर्स होते हैं मस्तिष्क के, उनको आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। नहीं और ये भी अच्छा है था इसका, अब देखिएगा श्वसन की हम बात करें तो स्तनधारी प्राणियों में तो श्वसन के लिए एक जोड़ी विकसित प्रकार के लंग्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी फुफ्फुस एक जोड़ी फुफ्फुस द्वारा तो होता ही है, लेकिन ये फुफ्फुस कहां पर पाया जाता है, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में कहां पर पाया जाता है, इनकी जिस गुहा में ये लटके रहते हैं पाए जाते हैं उसको प्लूरल गुहा बोलते हैं, प्लूरल गुहा में ये लगे होते हैं। स्थिति के हिसाब से हम देखें तो हमारे अधर सतह पर हार्ट पाया जाता है स्टर्नम के बिल्कुल पीछे, और पसलियां जो पार्श्व भाग से घूम के आती हैं पसलियों के ही बिल्कुल अंडर में नीचे भीतर की तरफ, यहाँ दोनों लंग्स लेफ्ट एंड राइट लगे होते हैं और पसलियां उनकी सुरक्षा करने का काम करती हैं, पंजर बनाती हैं, तो मैं उस गुहा को प्लूरल गुहा बोलते हैं। तो प्लूरल गुहा में विकसित प्रकार के ये लंग्स पाए जाते हैं जिनकी सहायता से सभी मैमल प्राणी स्तनधारी प्राणी जो है श्वसन करने में सक्षम होते हैं। ऐसे ही हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन में वही पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं मेटाफ्रक्ट मेटाफ्रक्ट द्वारा होता है, संख्या में एक जोड़ी पाए जाते हैं, बीक शेप होती है इनकी, है ना, और मेटा प्रकार के यानी विकसित प्रकार के किडनीज होती हैं जिनके द्वारा नाइट्रोजनी वेस्ट को पृथक किया जाता है, रुधिर में से अलग किया जाता है, और मोस्टली मैमल्स ज्यादातर यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में। इन प्राणियों में मैथुमन भी पाया जाता है, मैथुनान पाए जाते हैं, एक जोड़ी प्रश्न होते हैं, ये एक जोड़ी प्रश्न कहां पर है, उधर गुहा के बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं, ये अच्छा करेक्ट है, वृषण उधर गुहा के बाहर वृषण कोष में। ठीक है, देखो मैथुनान पाए जाते हैं, उसके अलावा वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन स्थिति क्या है, वृषण उधर गुहा के बाहर होते हैं। हम पक्षी वर्ग में एवरेज में पढ़ के आए थे, पिछले वीडियो में हम एवरेज में पढ़ रहे थे वृषण पाए जाते हैं लेकिन गुप्त वृषण वहां पर होता है। कहने का मतलब यह है जो वृषण कोष है वो उधर गुहा में ही होता है, वृषण कोष उधर गुहा के बाहर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उधर गुहा के बाहर वृषण कोष पाया जाता है, उस वृषण कोष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, स्थिति अलग है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक अच्छी बात यह है इनमें जो है भूमि लिपि के पाई जाती है,
भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है ना, और उनका नाम भी अपना अलग अलग है, चार प्रकार की होती हैं ज्यादातर भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है।